हेलो दोस्तों नमस्ते माय माई चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ माय सोल फैमिली माय व्यवर्स माय सब्सक्राइबर्स गॉड प्लेस यू आप स्वस्थ होंगे मस्त होंगे अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे डियर आज कभी का भी कर, जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए उनका मूड कैसा है उनका एक्शन क्या होगा और मैं हाँ, कहना चाहूंगी कि ये हमेशा याद रखें कि कलेक्टिव रीडिंग है तो जितना आपसे एनर्जी रेजनेट होती उतना लेना है और बाकी को जाने देना है और गाइडेंस को जरूर फॉलो करना है तो चलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाए ये है कांटेक्ट और नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए यानी कि सब के लिए है तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और इंटेंशन सही रखे यहाँ पे आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है उनके बारे में ही सोचना है इंटेंशन सही रखना है तो चलिए एंजल्स प्लीज गाइड करे डिवाइन गाइड करें ऑल आर की शक्ति गाइड करें एंजस प्लीज गाइड करें डिवाइन गाइड करें ऑल <coughs> आर तो के जति पर शक्ति गाइड करें आज दोपहर की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की इंजस प्लीज गाइड करें हे कृष्ण हे गोविंद जय श्री राम सीताराम जय हनुमान जय महाकाल हर हर महादेव जय बाबा बजरंगबली जस्टिस जस्टिस की एनर्जी भी कहाँ गई है पता है ये जस्टिस की एनर्जी आई है मैं आपको दिखाती हूँ ये जस्टिस की एनर्जी ये कार्ड जंप कहाँ किया है मैं आपको बताती हूँ वन मिनट ये ये पुराना कैलेंडर है ठीक है मेरे पास ये जस्टिस का कार्ड कहाँ गया है मैं आपको बता देती हूँ वैसे ये कार्ड पुराना है आप देख सकते हो ठीक है तो ये कार्ड जो गया है मेरे श्री राम सीता माँ लक्ष्मण शत्रुधन भरत और बाबा बजरंग बली के पास ठीक है तो ये कार्ड जो जंप किया वो कार्ड जाकर गया है ओ माय गॉड थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच तो ये कार्ड जंप किया कहाँ हमारे श्री राम सीता माँ के पास जहाँ बाबा बजरंग बली हैं और सारे परिवार हैं वहाँ पे. तो जस्टिस की एनर्जी आई है मैं ये ये मेरा कैलेंडर जो है ये कैलेंडर बहुत पुराना है ठीक है और ये कैलेंडर मेरा एक बचपन से ही एक सोच था बहुत चीज़ें पुरानी चीज़ों को रखने की ठीक है जैसे हर ईयर्स का कैलेंडर्स था मॉम के घर में भी थी और मुझे राइटिंग की एनर्जी बहुत बचपन से ही था मैं करती थी लेकिन ये मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बचपन से ही ये शौक़ रहा है पुराने कैलेंडर्स हर ईयर्स की रखने की तो ये बहुत पुराना है ये लेकिन इसमें मैं हमेशा इसमें सब भगवान के फोटोज़ हैं जैसे कभी श्री गणेश भगवान के हुए श्री राम लक्ष्मण कृष्ण गोविंद महाकाल तो मैं इन्हें यहाँ पर रखती हूँ जबकि ये पुराना कैलेंडर है उससे मतलब नहीं है वहाँ नंबर ना देखकर कट कर कर मैंने भगवान को रखा है तो देखिए जस्टिस की एनर्जी जो गई है ना वो सीधे श्री राम के पास गई है जहाँ पूरे परिवार के साथ प्रभु श्री राम हैं तो जस्टिस की एनर्जी है अगर आपका सवाल है कि आपको जस्टिस मिलेगा देखिए बाबू मिलेगा लेकिन सबकी अपनी एक डिवाइनिंग टाइम है ठीक है जस्टिस की एनर्जी है जस्टिस मिलेगी क्योंकि कार्ड भी जंप कर कर कहाँ गया मैंने आपको कैलेंडर भी दिखा दिया जय श्री राम और मैंने जब अजपा जाप भी कर रही थी ठीक है तो ऐसा नहीं है कि जस्टिस नहीं मिलेगा ये साल है जिसने जो जैसे कर्म किए हैं उनके अनुसार उनको फल भी मिलेगा ठीक है तो कर्म प्रधान है बाबू और शनि देव का साल है तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स मैं आपको बार बार गाइड करती हूँ ना तो गाइडेंस को जरूर फॉलो करेंगे जस्टिस आया है आज दोपहर की एनर्जी में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की इलेवन नंबर हो सकता है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो टू नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ठीक है आज दोपहर की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के सिक्स अवॉर्ड्स हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है करें ठंड बहुत है बहुत ठंड है इतनी ठंड है कि मेरे तो नाइन ऑफ कप्स टेम्परेंस द मून द मजिशियन के टॉप टॉकअप इस एनर्जी में तो दिखा जा दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपको इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं द हैरो जस्टिस के नीचे आया द है टू द चेरियट द व्हील Eight of Pentacles, six of Pentacles, five of Pentacles. Pentacles की एनर्जी है फोर ऑफ एनर्जी है तो इस कार्ड को मैं इस कार्ड को क्लियर करूंगी तब ये बोलूँ क्योंकि रियूनियन के चांसेस है यहाँ पे क्योंकि फोर ऑफ की एनर्जी है गले में थोड़ी ठंड की वजह से थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसलिए आप इग्नोर कीजिएगा ठीक <coughs> है यहाँ पे देखिए देखा जाए तो आप लोग में आपके रिश्ते में ब्रेकअप तो हुआ है या बातचीत बंद हुई है एट एट की वाइब्रेशन है ठीक है एट नंबर की वाइब्रेशन मुझे स्ट्रांग दिख रही है और सिक्स नंबर सबसे पहली बात फाइव ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है भाई आप लोग के रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से स्ट्रगल चल रहा है ठीक है और देखिए यहाँ पे द फैंड की एनर्जी है मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आपके साथ न्याय करना चाहते हैं ठीक है लेकिन यहां पे आपने जो दिया है वो आपको रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं जितना आपने वो प्यार दिया है देखिए सबसे बड़ी द हैरोफेंट है और जस्टिस है यहाँ की एनर्जी ये पर्सन मुझे लग रहा है कि आपको लेकर किसी से ये बात कर रहे हैं इस रिश्ते में आगे इन्हें कैसे बढ़ना है क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है सिक्स ऑफ एनर्जी है टू ऑफ वैन की एनर्जी है इनको आगे बढ़ना है इनको आपके साथ न्याय करनी है <coughs> लेकिन ये पर्सन द मून की भी एनर्जी है आज गले में थोड़ी प्रॉब्लम मुझे हो रही है <coughs> थोड़ा सा इग्नोर करेंगे है ना तो यहां पे <coughs> विल ऑफ वी द विल भी यानी व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, है। देखिए ये पर्सन जो है ना इनके मन में क्या कुछ चल रहा है जैसे कभी कभी अपने इमोशंस को जब ये कंट्रोल करते हैं और मिस बहुत ज्यादा आपको करते हैं ठीक है लेकिन दरअसल यहां पे इशू आप लोग के बीच में जो आ रही है जस्टिस का मतलब हो कि आप उनसे न्याय मांग रहे हो चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो ठीक है इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है विवर जी जैसे आपको इस रिश्ते को लेकर और आपके पार्टनर को लेकर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ठीक है आपको कोई कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है इस इंसान को लेकर वो ऐसा सोच रहे हैं लेकिन देखा जाए ये स्ट्रगल भी कर रहे हैं काफी लॉस भी फील कर रहे हैं इस रिश्ते में एंडिंग हुई है ठीक है इस रिश्ते में एंडिंग हुई है ब्रेकअप हुआ है बट चीजें सही नहीं हो रही थी लॉसेस की एनर्जी है लॉस फिल कर रहे हैं देखा जाए तो इस एनर्जी में कंपैरिजन भी किया जाए द वील की भी एनर्जी है और टेम्परेंस की भी एनर्जी है तो कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन आपके साथ पास्ट कंपैरिजन करते हैं तो बहुत अच्छा रहा है ठीक है बहुत अच्छा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग बीच में ट्रस्ट इशू रहा है हो सकता है उन्हें लग रहा है कि आप फीलिंग्स को इनके फीलिंग्स को आप इग्नोर कर रहे हो ठीक है आप उनके फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हो आप अपने लाइफ में बहुत मस्त हो खुश हो और इनके बारे में आप चिंता भी नहीं कर रहे हो मतलब कि आप इनको लेकर कोई फिक्र नहीं कर रहे हो ऐसा वो सोच रहे हैं लेकिन देखा जाए तो एनर्जी है आप उनके लिए परफेक्ट हो खोना भी नहीं चाहते हैं लेकिन यहाँ पे इशू जो आ रहे हैं वो है न्याय जस्टिस और गाइडेंस कमिटमेंट इशू मैरिज इशू या फिर ये पर्सन मुझे लग रहा है कि किसी से तो गाइडेंस ले रहे हैं इस रिश्ते को लेकर आगे क्या करना है क्योंकि आपको न्याय देना चाहते हैं लेकिन मुझे यहां ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप को फिक्र नहीं हो रही है दरअसल हो सकता है कि आपने बहुत दिया है इस रिश्ते में ऐसा नहीं कि आपने नहीं कुछ दिया है आपने बहुत कुछ दिया है कार्ड्स दिख रहे हैं आपको मैं हाथ ऑफ देंड की एनर्जी है तो उन्हें अगर ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फिक्र नहीं है उन्हें और आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप हैप्पी भी हो अपने लाइफ में इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये उदास कर स्ट्रगल हैं परेशान है लेकिन आपको फिक्र नहीं हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो या इनकी इमोशंस को इग्नोर कर रहे हो ये भी हो सकता है और इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको फिक्र भी नहीं हो रही है आप हैप्पी हो एंजॉय कर रहे हो पॉजिटिव हो फ्री माइंड हो लेकिन ये स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसा वो सोच रहे हैं। कुछ व्यवर्स यहां पे ऐसे भी कि आप दोनों में बिल्कुल बातचीत हो भी नहीं रही है उन्हें लगता है कि आप समय नहीं दे रहे हो है? आप उन्हें समय नहीं दे रहे हो ठीक है जो भी पास्ट में हुआ हो सकता है इन्होंने आपको भी इग्नोर किया ब्रेकअप किया ठीक है ऐसी भी एनर्जी है इन्होंने तब आपको नहीं समझा उन्होंने तब आपको नहीं समझा जब आप उनसे दूर निकल चुके हो या डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो तब इन्हें आपको याद करना है और मैनिफेस्टेशन करना है मतलब कि ये पर्सन आपको इस वक्त याद कर रहे हैं एंडिंग तो यहाँ पे हंड्रेड परसेंट हुई है ब्रेकअप भी हुआ है ठीक है और हो सकता है कि बार बार हुआ हो ठीक है ये बार बार एनर्जी की वजह से कुछ व्यूअर्स ने आपने अपने आप को बदला है यहाँ पे मेरे कुछ व्यूवर्स की एनर्जी है या आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो यह है द हैरोन मैरिज कमिटमेंट से लेकर है और कही न कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ को बताता है या फिर बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे या आप किसी से गाइडेंस लेकर फॉलो कर रहे हो या फिर मुझे लग रहा है कि किसी तरह का आप नॉलेज गेन कर रहे हो मतलब कि आपने काफी सिरसे में एक्सपीरियंस किया है उन्होंने भी किया है और आपने भी किया है लेकिन इस एनर्जी में मुझे लग रहा है डियर कि इस एक्सपीरियंस के बाद आप अपने आप को हील कर रहे हो, होरोन ठीक है तो देखिए ये पर्सन फ्री माइंड नहीं है इस वक्त मतलब फ्री माइंडेड जो होते हैं वो मैं नहीं देख पा रही हूँ लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा किया है जहां आपको इस एनर्जी में आना पड़ा है बहुत सारे व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे किसी तरह का नॉलेज गेन कर रहे हो कोई बुक पढ़ रहे हो जो भी हो जिस धर्म के हो गीता हो बाइबल हो कोई भी ग्रंथ जो बोलते हैं बुक कुरान ये सब कुछ ना कुछ आप नॉलेज गेन कर रहे हो क्योंकि आपको आगे बढ़ना है ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते हो और आप दोनों में मैरिज और कमिटमेंट इशू है जहां कुछ के लिए लीगल इशू भी है ठीक है इस पर्सन के दिमाग में मैरिज और कमिटमेंट आज भी है या फिर कुछ व्यूअर्स आप कमिटेड हो या मैरिड हो या आप सिंगल भी हो सकते हो ठीक है या फिर ये पर्सन किसी से गाइडेंस ले रहे हैं आपके साथ न्याय करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बिंदास हो उन्हें आप इग्नोर कर रहे हो आप अपने लाइफ में फन कर रहे हो इंजॉय कर रहे हो इनके इमोशंस को आप इग्नोर कर रहे हो ठीक है मुझे लग रहा है यहां पे कोई एक बंदा या बंदी है जिसने सबसे ज्यादा दुख सहा है ठीक है और काफी देखिए एक्सपीरियंस की बात की जाए तो दोनों ने ही किया है पास्ट में इन्होंने अगर आपके आपको जस्टिस नहीं दिया तो आज आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी मतलब आपने जो दिया है कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो अगर किसी ने रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है और इस रिश्ते में सिर्फ दिया है वो आप हो सकते हो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और मुझे लग रहा कि बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे आप एक कहा जाए तो कुछ तो आप यहाँ पे कर रहे हो ठीक है कुछ तो आप जैसे आपका दिल साफ है दिल बड़ा है लोगों की मदद करना मतलब कुछ मुझे लग रहा कि सोसाइटी समाज या कुछ तो आप लोगों के बीच किसी के बारे में सोच रहे हो या ये करना चाहते हो या इस वक्त कर रहे हो मतलब इस एनर्जी में देखा जाए तो यहाँ पे आप हो ठीक है आप लोग में ट्रस्ट इश्यू बहुत रहा है यहां ये भी दिख रहा है लेकिन ये पर्सन खुश नहीं है लेकिन इन्हें लग रहा है क्या कि अब आप नहीं सोच रहे हो कुछ लोग से में कुछ लोग से तो बिल्कुल बातचीत नहीं एट ऑफ कप्स और फाइव ऑफ पेंटिकल्स ठीक है कुछ लोगों में तो बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है और जिस तरह से रिलेशनशिप में एंडिंग हुई है ब्रेकअप हुआ है पेन जो मिला है कुछ व्यूवर्स आपके रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में बार बार ये साइकिल रिपीट भी हुई है और आप हट भी हुए हो, अब आपके पर्सन काफी हट हो रहे हैं लेकिन मुझे यहां पे कुछ व्यूवर्स आप या आपके पर्सन कोई है जो एक दूसरे को अपने करीब आने देना नहीं चाहते कोई एक डाउट कर रहा है कि कोई है जो चेहरे पे मास्क पहना हुआ है यहां पे मुझे लग रहा है कि आप या आपके पर्सन कोई एक सोच रहा है कि कोई है जो करीब आने देना नहीं चाहता कुछ व्यूअर्स आप में ऐसी एनर्जी हो सकती है या फिर कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर में भी ऐसी एनर्जी हो सकती है क्योंकि द की भी एनर्जी है ठीक है तो कोई है जो लगता है जैसे कि कोई मास्क पहना हुआ है दिखा तो रहे हैं कि वो प्यार नहीं करते हैं लेकिन प्यार है मतलब मास्क इस तरह है कि दिखा तो शो तो कर रहे हैं ऐसे कि प्यार नहीं है लेकिन प्यार है अंदर से ये दुखी और उदास है यहां पे कुछ व्यर्स आप हो सकते हो या आपके पर्सन हो सकते हैं लेकिन अंदर से वो खुश नहीं है आप उनकी जिंदगी में बिस फुलफिलमेंट की तरह हो ठीक है और रहा द विल की एनर्जी तो किस्मत ने आपको मिलाया है डिवाइन पावर ने आपको मिलाया है ऐसा वो भी महसूस कर रहे हैं ऐसा आप भी महसूस कर रहे हो वैसा वो भी महसूस कर रहे हैं ठीक है तो कहीं ना कहीं ये चीज मुझे दिख रही है कि यहां पे डेस्टिनी आती है डिवाइन पावर आती है लक आता है पास्ट आता है कर्म आता है तो कहीं ना कहीं टेम्परेंस की भी एनर्जी है तो आप दोनों अलग नहीं हो लेकिन फिर भी आप एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो लेकिन यहां पे स्ट्रांग है कि कोई है जो अपने करीब आने देना नहीं चाहता लेकिन प्यार है सिर्फ चेहरे पे मास्क है लेकिन उनको इस बात की जो फीलिंग्स हो रही है जो दर्द हो रहा है जो हट वाली एनर्जी है ट्रस्ट टू है इनका इसलिए कि आप उनके फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो आज भी नहीं हो सकता है कि जिस तरह से आप दोनों का ब्रेकअप भी हुआ है हो सकता है मेरे कुछ वर्ष आप इन पर भरोसा नहीं करो लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में खुश हो हैप्पी हो फ्री माइंड हो कहने का मतलब आप बिल्कुल पॉजिटिव हो आपको कोई टेंशन नहीं ऐसा वो सोच रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके साथ ये जस्टिस नहीं करना चाहते हैं आना चाहते हैं मिलना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं टू ऑफ की एनर्जी है देखिए सिक्स वार्ड ये आना चाहते हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस की एनर्जी सिक्स नंबर तो ये पर्सन या आपके लाइफ में दो माइंड या दो चॉइस है कहा जाए तो ये पर्सन कंफ्यूज भी रहे हैं पास्ट में इस रिश्ते को लेकर कि आगे फ्यूचर क्या होगा तब ये प्यार था इमोशन था चाहत था प्यार था जो भी था तब ये एक सिर्फ होता ना इंसान को कि प्यार कर लिया इतने मतलब इतने ये नहीं प्रेटिकल सोचने वाले इंसान है तो इतने दिल और दिमाग पे ये नहीं लेते थे कि आगे क्या होगा ठीक है लेकिन जब आप लोग में बार बार ये प्रॉब्लम्स आ रहे आना शुरू हुआ तो आपने जस्टिस मांगना शुरू किया जो कि कमिटमेंट और मैरिज से रिलेटेड है तो ये पर्सन पास में इन्होंने थोड़ा अपने थॉट्स को निगेटिव बनाया है ठीक है दो माइंड भी चलाए हैं दो गेम भी खेले हैं बट मुझे लग रहा है व्यूअर्स यहां पे आपके रास्ते में भी दो च्वाइस हो सकते हैं ठीक है जहां आप अब डिसीजन लेना चाहते हो या फिर आपके या आप हो सकते हैं यहाँ पे आप मैरिड भी हो सकते हो कमिटेड हो सकते हो या फिर कोई है यहाँ पे आप टू वॉन्ट्स की एनर्जी देख सकते हो टू की वाइब्रेशन है तो आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर कर आपके मन में ऐसा भी आ रहा है कि मैं दूसरे चॉइस को चुनू चाहे वो मैरिज से हो कमिटमेंट में हो कमिटमेंट से रिलेटेड हो या कोई फ्रेंड हो ठीक है लेकिन इस पर्सन देखिए आप नाइन ऑफ कप्स है, है द व्हील है तो कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अब आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो और ये रिश्ता इन्हें चाहिए लेकिन इमोशंस है लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि इमोशंस तो ये दबा रहे हैं स्ट्रगल तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि इस इमोशंस को आप नहीं समझ पा रहे हो

बुरी तरह आप रिलेशनशिप में एंडिंग भी हुआ है ब्रेकअप भी हुआ है लेकिन बीच बीच में आप लोग में बातचीत होती रही है लेकिन आपने दिया है दिया है दिया है तभी जाकर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हो और आप डिजर्व करते हो ठीक है आपके देखिए आपके लाइफ में मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है विवर जी कि आपके लाइफ में भी हो सकते ही सबकी एनर्जी नहीं हो सकती है कुछ वर्ष आप कमिटेड या मैरिड हो सकते हो या आपके दो रास्ते हो जहां आप डिसीजन भी लेना चाहते हो क्योंकि शैरियत की एनर्जी है और कुछ वर्ष आपके साथ अगर जस्टिस नहीं हो रहा है या फिर लीगल इशू चल रहा है तो वो है कमिटमेंट और मैरिज से रिलेटेड ठीक है जो आपके साथ ये न्याय नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आज ये पर्सन करेंटेंट दिख रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी बार बार हेल्थ इश्यू भी हो रही है स्ट्रेस भी हो रहा है लॉस भी हो रहा है ठीक है तो मुझे लग रहा है बहुत सारी यहां पे आप फिजिकल लेवल पर भी डिस्टेंस में हो ठीक है लेकिन प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है दिखा जाए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना वो नहीं हो पा रही हो सकता होता हो ये भी हो रहा है लेकिन ये परसन, ये इंसान दर्द में है ये आपको ढूंढ रहे हैं ठीक है और सच राह पर निकलकर ये आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ व्यूवर्स मुझे लग रहा है कि आप भी काफी ड्रीम दिख रहे हो ठीक है किसी प्रकार का आपके पार्टनर से रिलेटेड आप ड्रीम दिख रहे हो तो देखिए बाबू ये लगातार रिश्ते को बेहतर कराना करना चाहते हैं लेकिन वो लॉसेस की एनर्जी में है अपना दुख अपनी फीलिंग्स आपको सपने के थ्रू आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं ये क्या चाह रहे हैं ये चाहते हैं कि आप उन पर विश्वास कीजिए हो सकता है पास्ट में कुछ गलती हुई जिस वजह से आप लोग में ब्रेकअप हुआ है तो कुछ गलतियों की वजह से इनको इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुझ पर विश्वास कीजिए ऐसा वो कहना चाहते हैं पास्ट में चीजें अच्छी थी बट चीजें अच्छी नहीं हो रही है आज ये पर्सन डार्क एनर्जी में है ठीक है वो आना चाहते हैं लेकिन यहां पे स्ट्रांग है कि दोनों ही अगर बात की जाए दोनों के तरफ देखा जाए तो थोड़ी सी एनर्जी में ना बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है ठीक है दोनों के एनर्जी में बैलेंस करना थोड़ी जरूर मुझे ज़रूर लग रहा है बाबू क्योंकि देखो कभी कभी गलत इतनी बढ़ जाती है कि कभी कभी अच्छी चीज को हम खो देते हैं ठीक है तो अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हो अगर नॉलेज गेन कर रहे हो या आपकी ग्रोथ हो रही है आपका इंट्यूशन अच्छा हो रहा है तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे ठीक है आपको क्या करना है आपको उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है या नहीं करना है जस्टिस लेना है उन पर विश्वास करना है तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो लेकिन जो ये नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए है कि आप खुद पर वर्क जरूर करें क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स बिस फुलफिलमेंट की एनर्जी जैसे इस वक्त ब्रेकअप चल रहा के है लॉसेस की एनर्जी परेशान हैरान भी हैं कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप बहुत खुश हो और उनकी जगह आप आकर देखो कि ये आपको कितना याद कर रहे हैं और ये कितना दुखी है ठीक है सिक्स की वाइब्रेशन इसलिए आ रही है कि ये पर्सन हर हाल में रिश्ते में अब बैलेंस चाहते हैं हो सकता है ये पास्ट में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे ठीक है ये पर्सन पास्ट में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे लेकिन अब जाकर ये एहसास हुआ है इस पर्सन को तो ये अब आपको ढूंढ रहे हैं ये आपको सर्च भी कर रहे होंगे ठीक है आपके फोटोज भी देख रहे होंगे चीजें कुछ हिडन है तो थोड़ा सा विवर जी देखिए देखिए चीजें ठीक करना चाहते हैं क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ट्स है यहां पे कहीं ना कहीं स्ट्रगल दिख रहा है या झूठ फरेब मास्क धोखे बातें छुपाई गई हूं लेकिन ये पर्सन इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं मेहनत करना चाहते हैं इनकी दिली इच्छा है कि वो आपके तरफ बढ़े लेकिन गलत फहमिया वहां भी हो रही है कि आप लोग में अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है इशू मैरिज और कमिटमेंट आ रही है लीगल इशू आ रहा है जहां एक दूसरे के फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो लेकिन ये आपको ढूंढ रहे हैं इन्हें लग रहा है बाबू नाइन ऑफ पेंटिकल्स में सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आप हो कहने का मतलब आप अपने लाइफ में खुश हो हैप्पी हो पॉजिटिव हो इन्जॉय कर रहे हो अपने आप से मतलब रख रहे हो अपनी जानकारी उन तक नहीं जाने दे रहे हो लेकिन ऐसी नहीं है यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स अगर आप ऐसा भी हो तो चेहरे पे आपका मास्क हो सकता है इसलिए कि आप चाहते हो बहुत कुछ करना लेकिन अगर आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है जस्टिस नहीं हो रहा है मैरिज कमिटमेंट को लेकर कोई इश्यू आ रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये व्यूवर्स की एनर्जी की या फिर आप नॉलेज गेन कर रहे हो बुक्स पढ़ रहे हो या किसी से गाइडेंस किसी गुरु से गाइडेंस ले रहे हो या फिर आप अपने लाइफ में अपने इंट्यूशन को फॉलो अपने करियर को फॉलो कर रहे हो ठीक है उन्हें लग रहा है कि आप अपने लाइफ में फन कर रहे हो पॉजिटिव हो फ्री माइंड हो और ये स्ट्रगल कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों ही ड्रीम कर रहे हो मतलब एक दूसरे के सपने में आना जाना लगा हुआ है और ये मिस कर रहे हैं क्योंकि एक नई शुरुआत चाहते हैं। जो भी कुछ हुआ आपके रिश्ते में डर इनके मन में भी है क्योंकि आज जो डर है जो भय है जो आज इनके लाइफ में दिख रहा है कि क्या लॉस कर रहे हैं वो आपको पसंद कर रहे हैं ठीक है और इन्होंने अगर पास में डिसीजन नहीं लिया है तो ये पर्सन चाहते हैं लेकिन कोई है जो एक दूसरे को इग्नोर कर रहा है या मौका नहीं दे रहा है लेकिन ये पर्सन आपको ढूंढ रहे हैं डर है चीज़ें छुपाई हैं झूठ बोले हैं बहुत सारी बातें हुई हैं हो सकता है पास में इनके मन में छल भी हो कपट भी हो और दो माइंड में भी हो तब वो प्रैक्टिकल सोच रहे थे फन मस्ती मजाक कर रहे थे आपका साथ अच्छा लग रहा था लेकिन आज ये पर्सन आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनके मन में डर भी है क्योंकि ये आपको देख कि आप फ्री हो चुके हो पॉजिटिव हो चुके हो अब आपको फिक्र नहीं है इसलिए उन्हें लग रहा है कि कहीं इनके साथ गलत ना हो जाए चीजें छुपाई जा रही हिडिन रखी जा रही या फिर आप किसी और के साथ हो फोर ऑफ वर्ड्स यहां इलेवन इलेवन की एनर्जी है ठीक है तो यहां पे इलेवन इलेवन की एनर्जी ये बता रहा है कि सेलिब्रेशन भी होगा मैरिज भी होगी कमिटमेंट भी होगा लेकिन चीज़ें सुधारने की कोशिश की जा रही है क्योंकि यहाँ द विल भी है नाइन ऑफ कप्स भी है दैरोफ एंड भी है जस्टिस भी है द चैरियड भी है एक्शन तो होना है जस्टिस तो मिलना है ठीक है और सेलिब्रेशन भी होगा मैरिज भी होगी कमिटमेंट भी होगा लेकिन इस वक्त जो डर है मन का डर है जो हेल्थ इश्यू है परेशानी है जो दुखी उदासी है जो इनको लग रहा है कि इनके इमोशंस को नहीं समझा जा रहा है इग्नोर किया जा रहा है तो ये पर्सन थोड़ा परेशान है लेकिन सबकी बात छोड़िए तो जैसे डेस्टनी कहा जाए या वील नाइन ऑफ कप्स विज फुलफिलमेंट की एनर्जी तो वो आपको अपना डेस्टनी एंड विज फुलफिलमेंट मांगते हैं और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं हो सकता है ये पर्सन आप पर छुप छुप कर नजर भी रख रहे हैं आपकी जानकारी भी ले रहे हैं ठीक है इंतजार भी कर रहे हैं लेकिन इस रिश्ते में सिक्स ऑफ वनस की एनर्जी है इस रिश्ते में उन्हें सक्सेस चाहिए तो चाहिए ठीक है जस्टिस देंगे ठीक है जस्टिस देंगे ऐसा वो कहना चाहते हैं तो बहुत सारे व्यूअर्स बहुत गलत फहमिया ट्रस्ट इशू हो सकती है आप लोग अच्छे से जान रहे हो ठीक है देखिए ये कहना चाहते हैं कि मुझ पर आप विश्वास करो ठीक है पास्ट में हो सकता है इन्होंने झूठ कहा है किया है बातें छुपाई हैं चीट भी किया है धोखा भी दिया है लेकिन इनको अब यह एहसास भी हुआ है ठीक है इस पर्सन को अब ये एहसास भी हुआ है मैं नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ नेक्स्ट एक्शन में तो वो आ रहे हैं फिर भी मैं मेजर अरकाना से देख लेती हूँ टू ऑ वस की एनर्जी है यहाँ वॉन्स है तो यहाँ पे एयर इसलुएंस की एनर्जी है ठीक है पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो लिब्रा एक्रिस चैमनाई कैप्पिकॉन टॉरस वर्गो लगभग सारे साइन यहाँ पे मे सिंह और धनु भी है मीन कर्क और वृश्चिक भी है मकर वृषभ और कन्या भी है तुला कुंभ और मिथुन भी है तो लगभग सारे साइन है तो जो भी हो आपके साथ न्याय होगा क्योंकि यहाँ सारी एनर्जी है जो आपको लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं मैरिज कमिटमेंट और फ्यूचर प्लानिंग है क्योंकि फोर ऑफ भी है आप देख सकते हो ठीक है द चैरियट भी है द विल भी है नाइन ऑफ कप्स भी है टेम्परेंस भी है जस्टिस भी है दैरो फैंट भी है सिक्स ऑफ वॉन्ट्स भी है तो ये साइन बता रहे कि ये इस पक्ष चाह तो रहे हैं लेकिन ये फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हैं जैसे भी कर कर ये रिश्ते में सुधार हो जाए क्योंकि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो इस एनर्जी में लास्ट में कहा जाए तो आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो इसलिए आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ इन्होंने देखी है पास्ट में आपके साथ रहने से आपके साथ टाइम स्पेंड करने से आपका प्यार मिलने से इन्होंने बहुत ग्रोथ देखी है तो आज ये बहुत सारे लॉसेस की एनर्जी में स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत दुखी और परेशान है ठीक है तो नेक्स्ट एक्शन भी मैं देख लूँ इन जस्ट प्लिस गाइड कर फोर ऑफ बहुत सारे व्यूअर्स आ रहे हैं रीयूनियन होने वाली है बढ़ रहे हैं आपके तरफ आपके साथ न्याय करेंगे बिस की एनर्जी है नई शुरुआत होने वाली है ठीक है नेक्स्ट जस्ट प्लीज करें <coughs> देखिए यहां भी आ गया या फिर मेरे व्यूअर्स आप अपने ऊपर फोकस कर रहे, कर रहे हो या नॉलेज गेन कर रहे हो या कमिटमेंट मैरिज से रिलेटेड आप जस्टिस चाहते हो ठीक है तो ये पर्सन आपके साथ न्याय करेंगे ऐसा वो कहना चाहते हैं देखिए जस्टिस की एनर्जी आई यहां पे एकदम से दिख रहा है कि आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं ठीक है तो मैं दो ही काट लूंगी तो देखिये यहां पर दैरोफेंड और जस्टिस की एनर्जी आई जस्टिस द हैरोफेंड की एनर्जी आई तो ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करेंगे ठीक है <coughs> देखिए हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आप भी मैरिड हो ये भी एक इशू है देखिए ये भी एक इशू हो सकती है ठीक है तो ये पर्सन आपके साथ न्याय करेंगे ऐसा वो कहना चाहते हैं क्योंकि इन्हें आज आपकी वैल्यू अहमियत लगी है कि आप हो कौन अगर प्रॉपर कॉम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो इनके हेल्थ इश्यू भी हो रही है परेशानी भी है आप देख सकते हो जैसे सीने में सुई चुभो ही जाती है पेन होता है इस की एनर्जी है लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं बहुत सारे व्यूअर्स आ रहे हैं आपके पर्सन कम्युनिकेशन होने वाला है कॉल मैसेज आ सकता है और यहाँ पे रियूनियन के चांसेस स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं ठीक है तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की वीडियो अच्छी लगी डियर तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन जो डू द प्लेस यू एंड थैंक यू